चंडीगढ़ के रहने वाले अहमद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए अहमद खान ने चंडीगढ़ के हल्लू माजरा में बने हुए कब्रिस्तान को लेकर शिकायत की है। अहमद खान ने अपने पत्र में लिखा है कि हल्लू माजरा में कब्रिस्तान पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में उन्होंने शिकायत करते हुए लिखा है कि जीवन के अंतिम समय में मरणोपरांत जहां व्यक्ति को दफनाया जाता है वहां पर भी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और ये कब्रिस्तान सबसे पुराना है। लोगों का कहना है कि जब चंडीगढ़ बसा भी नहीं था तब से ये कब्रिस्तान यहां पर बना हुआ है, जबकि सेक्टर 25 का शमशान घाट भी इसके बाद बना है, लेकिन अब यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। यहाँ के लोगों ने टीन शेड के घर यहाँ पर बना लिए हैं। वही हैरत की बात तो ये है कि लोगों ने कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ तक कि गोबर का ढेर भी यहाँ पर देखा गया। ऐसे में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों में इसे लेकर काफी आपत्ति है। उन्होंने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ पर उनके समुदाय के लोगों को मरणोपरांत दफनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जे कर लिए हैं और अपने घर बसा लिए हैं और यहाँ पर साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के चलते यहाँ पर मरने के बाद किसी को दफनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि वो कई बार प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन लोगों ने जिस तरह से अवैध कब्जे किए हुए हैं उन्हें छुड़वा पाना बेहद ही मुश्किल है और प्रशासन की ओर से भी कोई पहल नहीं की जा रही। इसी के चलते उन्होंने अब पीएमओ को इसकी शिकायत भेजी है और उनसे न्याय की गुहार लगाई है। सर, इसके बारे में हमने काउंसलर को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, इवन तक इसके दिल्ली तक लेटर पहुँचाया, दिल्ली तक उसकी रसीद पड़ी है, रसीद पे आई हुई है, मोदी साहब की रसीद पे आई हुई है, आप देख लेना। तो उन्होंने भी प्रशासन से जवाब मांगा है, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रशासन के आगे जून सिकरी है, वो यहाँ आना चाहता नहीं है, ना कोई यहाँ कोई विजिटिंग हो रहा है, यहाँ कोई काउंसलर आ रहा है यहाँ पे। तो हमारी प्रशासन ने सुनी ना, यहाँ के किसी बंदे ने सुनी सही तरीके से। हम यही चाहते हैं सर, इसका ठीक तरीके से अपना सेट बन जाए, पानी का कनेक्शन हो जाए, सफाई वगैरह हो जाए, बाकी हम भी खुद अपने आप हेल्प करने को तैयार हैं। आज ये यहाँ की कब्रिस्तान की हालत देखी तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि ये कब्रिस्तान है। मैंने पूछा, भाई ये कोई कूड़ा डालने की जगह है या ये कब्रिस्तान ही है? तो यहाँ के बाशिंदों ने मुझे बताया कि नहीं, ये कब्रिस्तान ही है और कागज़ों में ये हमारी ज़मीन है, कब्रिस्तान के नाम से ही है ये ज़मीन। इतना हम जिंदा भी नहीं रहते जितना हमें यहाँ रहना पड़ता है, तो उसकी पोजीशन देखें हम, और जहाँ 60 या 70 साल रहना पड़ता है वहाँ जो है हमारे कुमकुमे लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं। कब्रिस्तान पर बने अवैध कब्जों को लेकर समुदाय के लोगों ने रोष जाहिर किया और जल्द से जल्द अवैध कब्जों को हटाने की मांग की। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मसले पर क्या कुछ कदम उठाता है। पंजाब के सीटीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।